नमस्कार, क्या भारत में भी कोरोना स्ट्रेन का मामला सामने निकल कर आ चुका है? क्यों कह रहा हूं ये बात, क्योंकि मेरठ में लंदन से आए 14 दिसंबर को एक परिवार के तीनों सदस्य, पिता, माता और बेटा जो है, वो तीनों जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसे में उनके जो सैंपल्स हैं उसको जो है आगे दिल्ली बढ़ा दिया गया है मेरठ से स्वास्थ्य विभाग ने, जांच के लिए कि कहीं ये स्ट्रेन 2 का मामला तो नहीं है। और इसलिए ये पूरी की पूरी जो तस्वीर है, कहानी है, ये थोड़ी सी डरा इसलिए भी रही है क्योंकि आगरा में भी एक ऐसा मामला सामने निकल कर आया है जहाँ पर एक शख्स जो है लंदन से आया था और उसमें भी, उसको भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है वो भी। और इसके बाद जो आखिरी फ्लाइट वहाँ से आई, यानी 22 दिसंबर की मिडनाइट तक का टाइम दिया गया था, 11:59 आवर्स पे, 23:59 आवर्स पे जो भी फ्लाइट आएगी वही आखिरी फ्लाइट होगी, और उससे उसके बाद जो है टेम्पररीली सब कुछ सस्पेंड था। तो ऐसे में वहाँ से जो भी लोग आ रहे थे उनका RT-PCR टेस्ट हो रहा था, टेस्ट में जो भी लोग पॉजिटिव आ रहे थे उनको लेकर के ये शंका ज़रूर थी कि कहीं स्ट्रेन 2 का मामला तो नहीं है। अगर स्ट्रेन 2 का मामला होता तो अलग से आइसोलेट किया जाता है, अलग से ऑपरेट होता है, सब कुछ अलग से होगा, उन्हें फिर कोरोना पेशेंट्स के साथ नहीं रखा जाएगा, ये भी बात सामने निकल कर आई है। इस तरह की चीज़ों को लेकर के लगातार IGI में भी, जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहाँ से भी ये बात सामने निकल कर आई थी कि हर तरह की तैयारियाँ हैं स्ट्रेन से निपटने की भी, टेस्ट को लेकर के भी पूरी तरह से तैयार हैं वहाँ लोग। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये मामला, पहला मामला अगर इसका भारत में निकल आता है, तमाम सख्तियों के बावजूद, तमाम पाबंदियों के बावजूद, तो फिर भारत में इसकी चेन को ब्रेक कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। हम कोरोना को ही अभी हराने में लगातार आगे बढ़ रहे हैं, रिकवरी रेट बेहतर हो रहा है, डेथ रेट लगातार गिर रहा है, लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें अगर स्ट्रेन 2 मामले पर कंट्रोल नहीं कर पाए हम, तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जैसा मैं बार बार अलग अलग वीडियोज़ में आपको बता रहा हूँ कि इसकी जो कम्युनिकेबल डिजीज़ तो है ही ये, लेकिन ये जो पास ऑन हो रहा है इसकी जो स्पीड है वो 70% ज़्यादा है। यानी इस लिहाज से आप सोच सकते हैं कि दुनिया भर में किस तरह का आंकड़ा सामने निकल कर आएगा अगर ये भी उसी तरह से फैलता है जिस तरह से नोवल कोरोना वायरस फैला है। बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर को देखने के लिए, शुक्रिया।